नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीबीएन 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आइए रुक करते हैं बिहार की खबर पर। बांका के मनियारी गांव वार्ड नंबर 8 में सड़क नहीं तो वोट नहीं, इसको लेकर ग्रामीण ने वोट बहिष्कार कर दिया। इसको लेकर सुबह से 12 बजे तक मतदान केंद्र पर एक भी मतदाता मतदान केंद्र नहीं पहुंचे। इलेक्शन कमीशन के द्वारा बार बार अपील करने के बावजूद भी मनियारी गाँव के मतदाता अपनी मांगों पर अड़े रहे। माहौल तब गर्म हो गया जब मनिहारी गांव के ही बगल वाले कष्टकरी गांव के 7 युवक पुलिस के साथ मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे। मतदान केंद्र से मतदान कर निकलने के दौरान युवक से वोट बहिष्कार को लेकर बहसबाजी हो गई। पुलिस प्रशासन और ग्रामीण के बीच मतदान कराने को लेकर हंगामा होने लगा। ग्रामीणों का कहना था 20 साल से रोड को लेकर जिला मुख्यालय तक आवेदन देकर सड़क बनाने को लेकर चक्कर लगाए, लेकिन दलित समाज का समाधान नहीं निकला। 6 महीने पानी से गिरा रहता है मेरा गांव, जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे मतदान नहीं करेंगे, नहीं और ना ही मतदान करने देंगे। आपको बता दें, इसको लेकर पुलिस ने मनिहारी गांव वाले पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें भगदड़ मच गई। लोग पुलिस की मार खाने से बचने के लिए भागने लगे, जिसमें एक युवक को पुलिस के सर पर डंडे मारने से घायल हो गया। सूत्र के माने तो अभी तक मतदान केंद्र पर 7 ही वोट पड़े हैं। ग्रामीण मतदाताओं का यह भी कहना है, मुखिया के कहने पर 7 युवक मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे थे, इसको लेकर हंगामा हुआ और मनिहारी के ग्रामीण किस तरह मुखिया को रोड नहीं बनाने पर गुस्सा जाहिर करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए जीबीएन 24 न्यूज पर।